Dakar is the toughest rally in the world. I am sure you know that. And if you know Dakar, you would definitely know Mitas, the tires and the tire manufacturer jo Mitas jo Dakar rally mein kafi zyada popular hai, wahi European Mitas hamare yahan India aaya hai through a joint venture with Mansaria Group. Aur ek end product jo aaya hai wo aaya hai Rice tires. जी हाँ, एक नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ है राइज टायर्स के नाम से. ये राइज टायर्स बनाते हैं मानसरिया ग्रुप और मिटास टायर्स का एक जॉइंट वेंचर कंपनी यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है. इनका गुजरात में एक काफ़ी वास्ट काफ़ी बड़ा प्लांट इन्होंने इस्टेब्लिश किया है और वही राइज टायर्स हम चलाने आए हैं आज यहाँ एमबी वैली में. Just to give you a brief, Mansaria Group has been in this tire business for the last 40 years. Mitas tires 100 years se European market se operate karte hain. To ek bahut hi experienced dono teams bahut hi experienced hain aur jo end product hai wo ek bahut hi acha hone ki obviously umeed hai. Rise basically एक बहुत specific requirements के हिसाब से tyres बनाने के साथ मंशा से market में आया है. At this point of time वो 6 sub brands अपने market में launch कर चुके हैं. There's this Trail R that is for dual purpose motorcycles. Then there is this Trooper और उसके अलावा उनका Trip R है और उसके अलावा कुछ स्कूटर्स और रेगुलर मोटरसाइकिल्स को कम्यूटर मोटरसाइकिल्स के लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक टायर्स अपने सब ब्रांड्स बनाए हैं. इन्हीं सब सेगमेंट्स में हम इनका एक हीरो प्रोडक्ट है ट्रेल आर जो कि हम चला रहे हैं आज हिमालयन में. दिस इज़ द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन जो टायर हिमालयन में लगते हैं वही स्पेसिफिकेशन टायर्स अभी ये हमारी हिमालयन शॉर्ट है. सो क्विकली हम बात कर लेते हैं ये परफॉर्म कैसा करते हैं इस बहुत ही डिमांडिंग टेरेन में. फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टेरेन था ये. काफ़ी ज़्यादा आपको लूज ग्रेवल्स और काफ़ी सारा टफ बहुत बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट बहुत ज़्यादा लोग यहाँ गिरे हैं. बट थैंकफुली नोबडी गॉट हर्ट. दैट्स ए बेस्ट पार्ट अबाउट इट. तो जो कंपनी के बंदे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी लोकेशन चूज़ की है टू प्रूव the quality of these tires and frankly speaking maine isse pehle jo OEM company laga ke deti hai that Seat tires mein bhi Himalayan ka kuch time chalai hai. Though I cannot do a one on one comparison at this point of time because wo kafi time pehle maine us motorcycle ko chalaya tha Seat tires ke sath. But what I can tell you is in isolation these tires perform absolutely brilliant. तो जो ट्रेल आर सीरीज़ अभी जो हमको इस मोटरसाइकिल में मिली है ये डुअल पर्पज़ 50-50 टायर्स हैं. दैट इज़ 50 ऑफ रोड बायस एंड 50 रोड बायस. हम अभी इसको ऑफ रोड में चला के आए हैं एंड ऑफ रोड दीज परफॉर्म फिनोमिनली वेल. रोड ग्रिप जो इसकी हमको ऑफर करता है दैट इज़ ब्रिलियंट. हम रोड पे टेस्ट नहीं कर पाए हैं इन मोटरसाइकिल्स को इन टायर्स को. सो हम रोड ग्रिप के बारे में बात नहीं कर सकते हैं आपसे. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ वी डिड टेस्ट नॉट टेस्ट बट हमारा एक छोटा सा एक वाटर का पैच हमको एक दो इस ट्रैक पर मिले थे एंड वाटर के साथ जो रॉक्स थी उस पर इनकी ग्रिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है. बट ऑफ रोड दीज वर सिंपली अनबीटेबल. The best part about these rides trailer tires is that front बहुत maneuverable था. बहुत ज़्यादा light हमको लगा और उसके साथ साथ जब आप गाड़ी को turn ले रहे थे तो grip on absolute loose gravel बहुत अच्छा maintain किया हुआ था ये tire. बहुत दोनों का जो front और rear का जो combination जो साथ हमको मिला के चला रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा मुझको.
अपार्ट फ्रॉम द हिमालयन दीज टायर्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द एक्सपल्स और इनके राइस टायर राइस मोटो के बहुत बड़े प्लान्स हैं. बहुत सारी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मोटरसाइकिल्स का ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मार्केट में लेके आने वाले हैं. अभी बहुत नई कंपनी है, अभी एक दो महीने पहले ही इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किए हैं अपने टायर्स. सो आई बिलीव जिस तरह का इनका एग्जूबरेंस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आना चाहती है. द डिफरेंस दे वॉन्ट टू क्रिएट इज नॉट टू ऑफर ओनली टायर्स ओनली फॉर द कम्यूटर सेगमेंट. ये नीश प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादा बड़ा गेम प्लान बनाने का इस कंपनी का प्लान है. प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो दीज ट्रेल आर आई एम इनफॉर्म्ड दैट दीज ट्रेल आर टायर्स आर अवेलेबल फॉर अराउंड 3500 टू 4000. सो दैट मीन्स 7000 7500 के आसपास का पूरा का एक पूरा आपका पेयर आएगा विच इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव. इन दी एंड अगर मैं सम अप करूँ हमारे क्विक रिव्यू को तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऑफ रोड में दीज टायर्स परफॉर्म ब्रिलियंटली वेल. इनकी लाइफ के बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं. रोड पे कैसा परफॉर्मेंस है हम उस बारे में नहीं बात कर सकते हैं. वेट स्लश मतलब जो थोड़ा सा वेट रॉकी जो थोड़ा सा वेट रॉक्स थी उसमें एक छोटा सा हमको लगा उसमें गाड़ी का मतलब टायर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. बट ऑफ रोड दिस वर फिनोमिनल. सो प्राइसिंग बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है. आई एम डेफिनेटली श्योर आप इसको एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं.